स्टार्ट महोदय, वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्च इंजनों ने कहा, लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन को प्रायोजित नहीं करेंगे। विराम, सरकार ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए। विराम, वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। विराम, सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने से क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है। विराम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो। विराम, जबकि सर्च इंजन का कहना था कि ऐसी सूचनाओं पर रोक लगाना सूचना प्राप्त करने के अधिकार के खिलाफ है। विराम, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण संबंधी जानकारियों को खत्म करने के लिए अंदरूनी एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने के आदेश दिए थे। विराम, कोर्ट ने इन कंपनियों को कहा कि सर्च इंजनों को देश के कानून का सम्मान और पालन करना होगा जो लिंग संबंधी परीक्षण पर रोक लगाता है। विराम, पैराचेंज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इन सामग्री पर नजर रखने के लिए बनाई नोडल एजेंसी पर मोहर लगाते हुए कहा कि केंद्र एक हफ्ते के भीतर इस नोडल एजेंसी के बारे में प्रचार कर लोगों को जानकारी दे। विराम, पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डिलीट करने के आदेश दिए थे। विराम, कोर्ट ने केंद्र को ऐसे विज्ञापनों की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी का गठन करने का आदेश भी दिया। विराम, यह एजेंसी शिकायतों को सर्च इंजनों को देगी और फिर सर्च इंजन ऐसी सूचनाओं और विज्ञापनों को 36 घंटे में हटाएंगे। विराम, सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि क्या ये बैन सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। विराम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात हो गए हैं कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। विराम, लड़का कैसे होगा और लड़की कैसे होगी। विराम, ऐसी जानकारी की देश में कोई जरूरत नहीं। विराम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेबसाइट पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन ऐसे विज्ञापनों को इजाजत नहीं दी जा सकती जो देश में लिंगानुपात को प्रभावित करें। विराम, ये विज्ञापन सीधे सीधे PNDT एक्ट का उल्लंघन है। विराम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर भी
नाराजगी जताते हुए कहा कि लिंग परीक्षण विज्ञापनों को कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन लगता है कि केंद्र की नजर में उन्हें इजाजत है। विराम। केंद्र बताएं कि इंटरनेट पर मौजूद ऐसे विज्ञापनों पर रोक कैसे लगाएंगे। विराम। पैराचेंज। केंद्र की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार इसे कानून का उल्लंघन मानती है और अपनी ओर से प्रयास कर रही है। विराम। वहीं कंपनियों की ओर से कहा गया कि ये विज्ञापन है और एक्ट के तहत नहीं है। विराम। देश के लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विराम। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। विराम। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि याहू और गूगल आदि सर्च इंजनों ने लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों को ऑटो ब्लॉक करने की योजना तैयार की है। विराम। स्टॉप।